हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th इंटर का जो रिजल्ट 2021 में जारी किया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से, उसमें जो भी छात्र जो है पास हुए हैं या फेल हुए हैं उन सभी को जो है यहाँ पे अगर अपनी कॉपी का जो है दोबारा आप लोग जांच करवाना चाहते हैं, चाहे आप लोगों का किसी भी जो है विषय में मार्क्स कम है या आप लोग जो है उस विषय में फेल हो चुके हैं, तो आप लोग अपना कॉपी का जो यहाँ पे फिर से जाँच जो है करवा सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को जो है ऑनलाइन जो है स्कूटनी का आवेदन करना होगा। तो आप लोग किस तरह से अपने मोबाइल से जो बहुत ही आसानी के साथ आप लोग जो है स्कूटनी के लिए अप्लाई करेंगे, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि वर्ष 2021 के उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी करने के लिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट का यहां पे जो है चाहे वो अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है या आप लोग जो है अपनी उत्तर पुस्तिका की फिर से दोबारा जांच जो है करवाना चाहते हैं, तो आप लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन यहां पे शुरू हो चुका है। आप लोगों को जो है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप लोग क्लिक करके जो है इस वेबसाइट पर आ पाएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप लोगों को कुछ इस प्रकार से ये इंटरफेस जो आप लोगों के मोबाइल फ़ोन में ओपन हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे जो है दो सेक्शन देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अपना डिटेल्स जो है इसमें फिलअप करना है। यहाँ पे जो है परीक्षा का प्रकार आप लोगों का यही रहेगा, एनुअल इंटरमीडिएट एग्जाम 2021। आप लोगों को जो है यहाँ से अपना जो है जिला यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी जिले के आप कैंडिडेट होंगे। उसके बाद आप लोगों को जो है यहाँ पर अपना जो है रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे रोल कोड, यहाँ पे रोल नंबर और यहाँ से आप लोग जो अपना संकाय जो है सेलेक्ट कर लेंगे। चाहे आप आर्ट्स के कैंडिडेट हो, साइंस के या कॉमर्स के, जो भी कैंडिडेट हैं आप लोग यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को जो सिंपली यहाँ पे रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, रजिस्टर के बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, एक रजिस्टर जो है आईडी आप लोगों को यहाँ पे नीचे में इस यहाँ पे जो आप लोगों का शो हो जाएगा। तो मैं ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे आप जो है रजिस्टर करने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे जो है अपना जो आप लोगों को एप्लीकेशन आईडी मिलेगा उसको यहाँ पे फिलअप करना है। फिर से आप लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है और लॉगिन के सेक्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग का लॉगिन हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को, मेरा जो है रजिस्टर हो चुका है, तो मैं आप लोगों को एक आईडी जो है वो लॉगिन करके दिखला देता हूं। जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे जो आईडी फिलअप कर दिया गया है, यहां पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप कर दिया गया है। जैसे आप लोगों को लॉगिन पे क्लिक कर देना, जैसे आप लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप लोगों का जो है यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे जो है लॉगिन आईडी देखने को मिल जाएगा, आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सारा डिटेल्स जो है ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को जो है फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, आप लोगों को यहाँ पे एक ईमेल आईडी इंटर कर देना है। बाद बाकी यहाँ पे आप लोगों का पिन कोड जो है पूछा जा रहा है वह आप लोग फिलअप कर दीजिएगा, जो भी डिटेल्स आप लोगों को फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है यहाँ पे आप लोगों का सारा सब्जेक्ट जो है जो भी आप जो है इंटर के एग्जाम में रखे हुए होंगे यहाँ पे आप लोगों को शो कर दिया जाएगा। जितने भी विषय का आप जो है कॉपी जांच करवाना चाहते हैं आप लोगों को यहाँ पे जो है टिक कर देना है ऐसे ऐसे। जैसे आप लोगों को चाहे एक विषय हो, दो विषय हो, तीन विषय हो, आप लोग यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद फाइनली आप लोगों को जो है यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। जितना जो है विषय का आप लोग जो है यहाँ पर जो है यहाँ पे आप लोग कॉपी जांच करवाना चाहते हैं उतना का यहाँ पे जो है टिक करके आप लोगों को सबमिट पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आप लोगों को जो आगे का ऑप्शन मिल जाएगा और आप लोगों को जो यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग पेन हो, आगे का प्रोसेस जो मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है पेमेंट नहीं करना है, लेकिन आप लोग अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग पेन हो पे क्लिक करके जो आप लोग जो है अपना पेमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे एक विषय का ₹70 आप लोगों को चार्ज जो है लगने वाला, जैसा कि आप लोगों को नोटिस में देखने को मिल गया होगा। तो आप लोग जो है अच्छे से पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आप लोगों को जो है दोबारा लॉगिन करके आप लोगों को जो अपना रिसिप्ट जो है ऑनलाइन का वो आप लोगों को एक प्रिंट करके रख लेना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।